के साथ राजेश कुमार। राजधानी पटना में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह हो गया है कि बड़े बड़े अधिकारियों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। ताजा मामला पटना के गोला रोड की है, जहां पर डिप्टी कमिश्नर के घर को चोरों ने निशाना बनाया और लाखों के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। इस वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। चोरों की तस्वीर सीसीटीवी के कैमरे में कैद हो गई है। पटना में डिप्टी कमिश्नर के घर भीषण चोरी। 15 लाख से अधिक की ज्वेलरी ले गए चोर। चोरी की घटना के बाद सुरक्षा पर उठे सवाल। राजधानी में चोर बेखौफ हो गए हैं, उन्हें पुलिस प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं है। बड़े बड़े अधिकारियों के घर डाका डाला जा रहा है। नया मामला गोला रोड के बैंक कॉलोनी की है, जहां वाणिज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर के घर को चोरों ने निशाना बनाया। 15 लाख से ज्यादा के गहने लेकर फरार हो गए। हम लोग बाहर गए थे रिलेटिव के यहाँ 3 तारीख को, तो ये हम आज ही आए हैं। आज मंडे है, सुबह सुबह तो 7:15 के आसपास जब मैंने घर खोला तो जो मेरा मेन गेट है वो टूटा हुआ था। ये मुख्यतः इसमें गहने ही चोरी हुए हैं, जो वाइफ के थे, जो अलमारी में रखे हुए थे, वो करीब 10-12 लाख रुपये के आसपास के गहने हैं। दरअसल 3 दिन पहले डिप्टी कमिश्नर अपने पूरे परिवार के साथ अपनी बहन के घर गए थे। सोमवार को लौटे तो घर के दरवाजे टूटे हुए मिले। घर में रखा गोदरेज खुला हुआ मिला। पूरे घर में सामान बिखरा हुआ था। जब समझ में आया कि चोरों ने हाथ साफ कर लिया है तो तुरंत ही इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस गश्ती पर भी सर सवाल उठ रही है कि शायद गश्ती नहीं आती। गश्ती जाती है, लेकिन मेन इतना अंदर में है कि हर गली में गाड़ी को भेजना संभव नहीं हो पाता है। ये हम लोगों का व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। सीसीटीवी से कुछ तस्वीर चोर की मिली है। हाँ, वो हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, उसको देखते हैं क्या कर सकते हैं। चोरों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तफ्तीश करने में जुट गई है। लेकिन एक सवाल पुलिस की चौकसी पर उठ रहा है, आखिर चोरों का खौफ राजधानी में क्यों बढ़ रहा है? चोरों की तस्वीर को सीसीटीवी में लेकर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर पुलिस गश्ती पर सवालिए निशान उठा रहे हैं। जी मीडिया के लिए दानापुर से इश्तियाक खान। राजधानी पटना में अपराधियों का हौसला कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला सचिवालय थाने से महज चंद कदम की दूरी की है, जहां पर अपराधियों ने एक कारोबारी से 1,90,000 रुपए की लूट की। इस दौरान अपराधियों ने व्यापारी को घायल भी कर दिया। घायल कारोबारी का इलाज जारी है। अति सुरक्षित विधानसभा गेट के सामने लूट होने के बाद हड़कंप मच गया। अब सवाल उठता है कि थाने से महज चंद कदमों की दूरी पर यह वारदात हो जाती है, वो भी बिहार विधानसभा के ठीक सामने, जहां मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री और माननीय का मूवमेंट होता है। सिक्योरिटी हाई होने के बाद भी अपराधी लूट की वारदात को अंजाम देते हैं, तो न सिर्फ ये आम आदमी की सुरक्षा पर सवाल है, बल्कि माननीयों की सुरक्षा पर भी एक बड़ा सवाल है। सचिवालय थाने से जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता रितेश ने। पुलिस के लाख दावों के बावजूद राजधानी पटना में अपराधियों का हौसला बुलंद है। यह सचिवालय थाना है और यहां से महज चंद कदमों की दूरी पर, एक बार दीनानाथ हो जा दिखाएं कि महज चंद कदमों की दूरी पर, चंद मीटर की दूरी पर यहाँ पर अपराधी आते हैं, एक कारोबारी से तकरीबन 2 लाख रुपए छीन लेते हैं और छीनने के क्रम में उसे घायल भी कर देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो बिहार विधानसभा है, हाई सिक्योरिटी और सेंसिटिव जोन है, यहाँ पर सुरक्षा का जो इंतज़ाम है वो हमेशा पुख्ता रहता है और पुलिस यहाँ पर अलर्ट मोड में रहती है। लेकिन इसके बावजूद अगर सचिवालय थाना से चंद मीटर की दूरी पर अगर किसी कारोबारी से रुपए की लूट होती है तो जाहिर सी बात है कि ये आम आदमी की सुरक्षा पर तो एक बड़ा सवाल है ही, साथ ही साथ जो माननीय विधानसभा में आते हैं उनकी सुरक्षा पर भी सवाल है। अपराधियों ने रुपए छीनने के क्रम में व्यापारी को बुरी तरीके से
घायल कर दिया है। फिलहाल घायल व्यापारी का इलाज चल रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस इलाके में सबसे ज़्यादा चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रहती है, जहां पर पुलिस दावा करती है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, आखिर अगर उस इलाके में लूट की वारदात होती है, किसी को घायल किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि पटना पुलिस के दावों पर, उसके इंतजाम पर, उसके पुलिसिंग पर सवाल उठेगा। कैमरा पर्सन दीनानाथ होजा के साथ रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। राजधानी पटना में अपराधियों का तांडव जारी है। कंकड़बाग थाना इलाके में बाइक सवार अपराधियों ने चाय दुकानदार को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने दुकानदार को दो गोलियां मारी हैं। घायल चाय दुकानदार का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, तो घटनास्थल पर पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। सरेआम जिस तरीके से राजधानी पटना में चाय दुकानदार को गोली मारी गई है, इस घटना ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। चाय दुकान है विकलांग भवन के पास में, वहीं पर सुनील महतो का चाय का दुकान है, उसी पर कोई अपराध कर्मी द्वारा उसको गोली मारा है। चाय के लेकर कोई विवाद हुआ, पैसा सबका लेकर गोली मारा।